अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं सामानूर। तो गाइस, हम बात करेंगे 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है जी, टू मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा, लेकिन वहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस छोटे थे, उनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था। अब आए हैं थोड़े से मैट्रिसेस बड़े, अब उनको कैसे सोल्व करना है, आए देखते हैं किस तरह सोल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए हमारे पास है जी। ए में हमने क्या करना है, 2, 3, ठीक है, 1, 1, 0 और माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग इसको 2, 3, माइनस 1 और 0 से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, कन्फर्मेबल हैं कि नहीं हैं। अगर कन्फर्मेबल हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इनको, तो आए देखते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज़ को चेक करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जी, इसके नंबर ऑफ रोज हमारे पास, कॉलम्स हमारे पास हैं 2, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, आए देखते हैं। ये था हमारे पास जी मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, कि पहली रो को दूसरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है जी। ये थी हमारे पास पहली रो और इधर से पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे जी, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास है 1 और 3 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है जी 2 से, क्योंकि इधर दूसरी रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यही रो को उठा के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे जी, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि अब इस रो को पहले कॉलम से और इसी रो को दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी -2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो देख लेते हैं जी आगे इसको क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 प्लस 0 को 1 से 0, 0 को 2 से 0 प्लस -, 2 को 3 से 6, 0 को 0, फिर 0 को 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी उसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने का तरीका। 9 में 3 ऐड करेंगे तो 13, -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2, 3 और 2 5, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1, -6 में 0 ऐड करेंगे तो -6, 0 में 0 ऐड करवाएंगे तो 0 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। हमने देखा कि दो मैट्रिसेस को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। अब इसका पार्ट नंबर बी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में आने वाला वही क्वेश्चन है। इसका डी वाला पार्ट है जी हमारे पास। डी वाले पार्ट में हमने क्या सीखना है, डी वाले पार्ट में हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 8, 5, 6 और 4 मल्टीप्लाई हमने करवाना है जी, 2 -5/2, ठीक है, -4 और 4, ठीक हो गया। अब गाइस हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यार, सबसे पहले वो चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या हैं और रोज क्या हैं, 2 हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये आपस में स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 को 4 से, साइन किसका लगाते हैं, प्लस का, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, 5 मल्टीप्लाई हमारे पास -4। अब इसी रो को इस कॉलम से 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। अब इसी तरह इस रो को पकड़ लें जी, आप इस रो को मल्टीप्लाई करवा लें इस कॉलम से, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक हो गया।
अब इस रो को, अब इस कॉलम से 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। आगे इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं जी, 5 को थ्रू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20, 2 4 जार क्या होता है 8, 4 को 5 से माइनस का 20 प्लस 5 को 4 से 20। देखे ना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 8 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 प्लस माइनस माइनस 6 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 होता है। 2 3 जार क्या होता है जी 6 6, 3 को किससे मल्टीप्लाई आप करवा देंगे 5 से, माइनस का 15 प्लस 4 को 4 से 16। तो गाइस 16 में से माइनस का 20 बाकी माइनस का 4, 20 में से 20 बाकी 0, 12 में से 16 बाकी माइनस का 4, और क्या हो जाएगा 16 में से माइनस का 15 जाएगा बाकी 1। तो ये था गाइस इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला पार्ट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानब, जो बहुत आसान है, हम लोग उनको करने जा रहे हैं। उसमें भी हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.4 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर किया था 5, यहाँ पे भी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास उसमें क्या आ गई है, इक्वेलिटी का साइन आ गया है। देखें किस तरह करना है जी, हमने इसको क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, ए हमारे पास है जी माइनस का 1 3 2 और 0, बी हमारे पास है जी 1 2 माइनस का 3 माइनस का 5, एक और मैट्रिक्स है जी हमारे पास सी हमारे पास है 2 1 1 और 3। ये है जी, पहले में हमने क्या फाइंड करना है, एक चीज़ याद रखनी है, हमने पीछे एडिशन में किया था कि हमारे पास जो होता है a प्लस बी इज इक्वल होता है b प्लस ए के, ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में a b नॉट इज इक्वल टू b a, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और बी को ए से करवाते हैं तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएगा। नहीं यकीन तो हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे आपको, आए देखते हैं कि किस तरह हम प्रूव करवाएंगे आपको। तो गाइज बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 1 की, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए बी माइनस 1 3 2 और 0, क्योंकि ए पहले है, जो नंबर पहले होगा, जो वेरिएबल पहले होगा उसकी वैल्यूज भी पहले आएगी। उसके बाद है बी हमारे पास, तो उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं जी। अब ये हमारे पास है जी ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। उसके बाद हमारे पास है जी 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस, सॉरी गलत हो गया, ये फर्स्ट सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस का 3। उसके बाद अब इसी रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, माइनस 5 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे पास है जी ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा लें जी, माइनस 1 को 1 से 1, 3 को माइनस 3 से तो माइनस का 3, ठीक है, माइनस 1 को 2 से माइनस का 2, और माइनस 5 को प्लस 3 से तो माइनस का 15, 2 को 1 से 2 प्लस माइनस माइनस, 0 को 3 से तो 0 प्लस का 0, 2 को 2 से 4 और ये भी प्लस का 0, ठीक है। अब ए बी हमारे पास आ गया जी
माइनस थ्री में से वन करेंगे तो बाकी माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस, माइनस का सेवनटीन, और ये हमारे पास टू, और ये क्या आ गया जी, फोर आ गया। ये था हमारे पास किसका आंसर, ए बी का आंसर। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ए को फाइंड करना है। अब बी ए को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सेम यही काम करना है जी। क्या करना है, बी ए हमने फाइंड करना है जी। पहले बी की वैल्यू वन टू, माइनस थ्री, माइनस का फाइव, और साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, थ्री, टू और ज़ीरो, ठीक है। तो बी ए हमारे पास आ जाएगा जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, सॉरी वन मल्टीप्लाई माइनस वन, प्लस हमारे पास आ जाएगा जी टू मल्टीप्लाई बाई टू। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से वन मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस, अब माइनस थ्री और सॉरी माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई टू, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। हमारे पास आ गया जी बी ए इज इक्वल टू, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस वन, टू को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस का फोर, और ये हमारे पास थ्री प्लस ज़ीरो को टू से तो ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस, थ्री को वन से थ्री, प्लस माइनस माइनस, फाइव को टू से तो टेन, माइनस का नाइन, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास ज़ीरो एज इट इज़ आ गया। अब बी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थ्री, ये भी थ्री, और ये माइनस का क्या आ जाएगा जी, माइनस का सेवन, और ये माइनस का नाइन। तो अगर आप लोग ये और ये आंसर देखें तो कभी भी इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि बी को ए से मल्टीप्लाई करवा लें या ए को बी से मल्टीप्लाई करवा लें तो वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। ये हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ये था इसका पार्ट नंबर वन। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका पार्ट नंबर थ्री करके, क्योंकि टू आप लोग खुद करेंगे, जिस तरह थ्री होगा उसी तरह ही तकरीबन टू है, आप उसको कोशिश करेंगे कि खुद कर लें, क्योंकि वो भी आसान ही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें, बहुत ईजी है। देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर हमारे पास है थ्री, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। पहले हम बी और सी को प्लस करवा लेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू में आप लिख लें ए इंटू, या आप पहले बी सी को ही डायरेक्ट कर लें सोल्व, बी प्लस सी इज इक्वल टू पहले बी की वैल्यू लिख लें वन टू माइनस थ्री और माइनस का फाइव, प्लस करवा लें जी आप लोग टू और वन, वन और थ्री, ठीक है। बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड, वन और टू क्या आ जाएंगे थ्री, टू प्लस वन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री, माइनस थ्री में अगर आप वन जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे क्योंकि ये माइनस का है। बी प्लस सी करवाएंगे तो क्या करेंगे जी हम लोग वन प्लस टू करवा लेंगे तो ये हमारे पास टू, टू प्लस वन करेंगे तो ये भी थ्री, माइनस टू में अगर आप लोग वन ऐड करवाएंगे तो ये माइनस का टू में वन ऐड करवाएंगे तो माइनस का टू, माइनस फाइव में अगर थ्री ऐड करवाएंगे तो वो भी माइनस का टू। ये हमारे पास आया बी प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है जी, ए से करवाना है। तो आप क्या कर लेंगे ए इंटू बी प्लस सी, किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ए की वैल्यू माइनस वन, थ्री, टू और ज़ीरो, उसके बाद आपने बी प्लस सी की वैल्यू लिखनी है थ्री, थ्री, माइनस का टू और माइनस का टू, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जी, किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस वन को यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे, माइनस वन को जब आप थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री, प्लस थ्री को माइनस टू से थ्री मल्टीप्लाई माइनस का टू। उसके बाद इसी रो को सेकेंड कॉलम से माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस का टू। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से टू मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई माइनस का टू। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से
टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस का टू। ठीक है, अब इनको बेटा ऐड करवा लें तो ये हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी आ रहा था जी। माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का थ्री, प्लस माइनस होता है माइनस, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिक्स, ये माइनस का सिक्स, माइनस वन को थ्री से तो माइनस का थ्री, प्लस प्लस माइनस ये भी माइनस, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का सिक्स। उसके बाद हमारे पास आ गया जी टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिक्स, प्लस ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया सिक्स, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया जी ज़ीरो आ गया। यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का नाइन सिक्स और सिक्स, ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करना है किसको, राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा देता हूँ जी। राइट हैंड साइड है हमारे पास, क्या करना है जी, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है। ए बी प्लस ए सी करवाना है, पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी अभी हमने प्रीवियस पीछे फाइंड भी किया था, लेकिन हम लोग दोबारा यहाँ पे फिर फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है माइनस वन और थ्री, टू और ज़ीरो, मल्टीप्लाई में बी की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, बी हमारे पास है वन और टू, माइनस थ्री और माइनस का फाइव। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें जी, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है, थ्री मल्टीप्लाई माइनस का थ्री। ठीक है, अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस का फाइव। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस का थ्री। इसी तरह इसी रो को दोबारा फिर आगे मल्टीप्लाई करवा लें, टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस का फाइव। तो ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस प्लस माइनस माइनस, थ्री को थ्री से नाइन, माइनस वन को टू से माइनस का वन। ठीक है, उसके बाद जब माइनस फाइव थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का फिफ्टीन। ठीक है, उसके बाद टू को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे टू प्लस ज़ीरो, ये फोर प्लस क्या हो जाएगा जी ज़ीरो, क्योंकि टू को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर, ज़ीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ऊपर ले आए इसको, क्या आंसर बन जाएगा, माइनस का टेन, माइनस टेन। ठीक है, और ये माइनस का सिक्सटीन, ये हमारे पास टू और नेक्स्ट हमारे पास फोर, ये आया जी हमारे पास ए बी। ठीक है, इसी तरह हमने निकालना है जी ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए हमने क्या करना है जी, पहले ए की वैल्यू माइनस वन और थ्री, बाद में हमारे पास आ जाएगी जी टू और ज़ीरो, मल्टीप्लाई हमने इसको करवा देना है जी सी से, वो हमारे पास है जी टू और वन, वन और थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई आप करवा लें, ये हमारे पास आ रहा है जी ए सी। मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, क्योंकि सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, अब टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री। हमारे पास ए सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी हमारे पास आ जाएगा जी माइनस वन माइनस टू प्लस का थ्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो माइनस वन और प्लस का नाइन, ये हमारे पास फोर प्लस ज़ीरो और ये टू प्लस ज़ीरो, ए सी हमारे पास बन गया जी, बाकी वन बचा क्योंकि थ्री में से टू जाएंगे बाकी वन बचेगा, नाइन में से ये गया बाकी क्या बचेगा जी, नाइन में से ये जाएंगे बाकी एट बच जाएगा, और ये हमारे पास फोर एज इट इज़ और ये आ गया टू। ये हमारे पास ए सी आया और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी। अब हमने इनको क्या करना है, दोनों को ऐड करवा देना है। जब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको रेज करके मैं ज़रा आपका यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ जी। हमने प्लस करवाना है जी ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का टेन, माइनस सिक्सटीन। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या आया जी, माइनस वन और सॉरी माइनस सिक्सटीन, टू और फोर आ गया, प्लस करवाना है जी हमने किसको, वन, और क्या प्लस करवाना है जी, एट, ठीक है, ये हमारे पास फोर है और ये क्या है जी, टू है। तो जब इसको आप लोग ऐड करवा लेंगे, माइनस का टेन प्लस वन माइनस सिक्सटीन प्लस एट, टू प्लस फोर, ठीक है, उसके बाद जी फोर प्लस टू, तो ये हमारे पास आंसर आएंगे जी माइनस का नाइन, माइनस का एटीन में से बाकी माइनस का एट, ये टू और फोर सिक्स, फोर और टू सिक्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सिर्फ इस नंबर की वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो बुक आपकी न्यू होगी उसमें अपडेशन हुई हुई है, जो ओल्ड बुक है उसके अंदर अपडेट नहीं हुआ। बाज बच्चों के पास ओल्ड बुक है, बाज बच्चों के पास न्यू बुक होती है, तो इसलिए आंसर इसका रॉन्ग आता है। हैं ये आपस में इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं, अन इक्वल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो भी वन है, और जब यहाँ पे हमारे पास नंबर वन आएगा तब ये हमारे पास आंसर क्या होगा, सही आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी सेम यही काम करना है। सिक्स हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने क्या करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, क्या ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना इज इक्वल टू बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन वो आंसर इक्वल नहीं आए थे। अब ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल टू ए का बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले देखें मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि हमने पीछे मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका मैंने ट्रांसपोज लेना था क्योंकि ए बी उसका होल ट्रांसपोज है। जब होल ट्रांसपोज होगा तो उसका मतलब यह है कि इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इनका आंसर आया है उनको आपस में मल्टीप्लाई, उनका ट्रांसपोज लेना है। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। दूसरी जानब हमारे पास थी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था जी, राइट हैंड साइड में वो कहता है कि पहले ए बी का ट्रांसपोज लें फिर किसका लें, ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने क्या किया, पहले बी का ट्रांसपोज लिया फिर ए का ट्रांसपोज लिया। अब जो उनके आंसर आए उन दोनों को हमने बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया ना यार, बहुत इजी तरीका है। तो बी के ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आ गया। अब बी के ट्रांसपोज को हमने जब ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अगर आप ये आंसर और ये आंसर देखें तो ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।